बाइक सपना पहला प्यार है और राइड अपनी मंजिल है। ये एनी डे रेडी है भागने के लिए। सो हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज का ये प्लान है कि पहले तो आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि रमज़ान थे इसलिए मैंने वीडियो एक भी नहीं डाली, पोस्ट करी। और अभी निकला हूँ अपनी गाड़ी के साथ वीडियो बनाने, तो अभी तो जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं अपने ये जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज़ किया था वो शोरूम में, बाइकर्स किंग, क्योंकि वहाँ से मुझे इसके थोड़े पेपर वर्क का काम बाकी रह गया था तो वो करना है, टाइम नहीं मिल रहा था, 5-6 महीने बिता दिए मैंने। अभी जा रहा हूँ वो पेपर वर्क का काम क्लियर करते हैं और मे बी कुछ सरप्राइज़ भी हो सकता है वहाँ पर। तो बस यही बात थी और चलते हैं अभी अपने शैडो को, बीस्ट को लेके। बीस्ट फुल टू रेडी है, बस इसकी एक ये निकल गई है, देखिए इसको भी फिक्स करते हैं और फिर चलते हैं। मैं फेविक्विक तो लाया था तो फिक्स करता हूँ, चिपका दिया यहाँ पे तो अब ठीक है, अब अच्छी दिख रही है। सॉरी इसलिए बोलना था क्योंकि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, बस यही कुछ रीज़न थे क्योंकि रमज़ान भी थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था और काम जॉब भी चल रहा था, रोज़े भी थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं वो एक महीना ब्रेक ले लेता हूँ फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो बस अब शुरुआत हो चुकी है। एक महीने से सारे दोस्तों से मिला नहीं था, किधर गया नहीं था, तो बस उनसे मिलने में वो टाइम में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और बस अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करूँगा आगे। तो अभी चलते हैं, लेट हो गए, 4 बजे मेरे को 4 बजे पहुँचना था वहाँ, बट 4 बजे मैं इधर ही हूँ अभी तक, अभी निकला नहीं हूँ। तो चलो चलते हैं, मिलता हूँ सीधा आपको अब आप GoPro पे और बाकी सब बातें करेंगे अब GoPro में अपने। चलिए रेडी, चलो सनग्लासेस, शैडो पे बैठते हैं, एडजस्ट हो गया इसको थोड़ा सा और नीचे, हाँ तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। फेविक क्विक छोड़ दिया, भाग के जाके लेके आता हूँ। आगे काम में आ जाएगा मेरे को। और चलते चलते अपन सुन रहे हैं, बताता हूँ आपको क्या सुन रहा हूँ, MC Stan। तो कमेंट में ज़रूर सब लोग बताओ कौन कौन MC Stan को सुनता है और सपोर्ट करता है। अब निकलेंगे तो अब सीधा अपनी जगह पे पहुँचेंगे, मेरे को जाना है मुलुंड, बाइकर्स किंग। चलो कोई नहीं, और बहुत जल्दी इसका सर्विसिंग की भी वीडियो आने वाली है, तो बने रहिए मुसाफिर के साथ। हवा भराया तो हवा में उड़ गई है ये, मैं लेट हो गया हूँ, मेरे को लेट नहीं होना था। ट्रैफिक मिलेगी वही बुरी लगती है सबसे ज़्यादा। 4:10 हो गए निकलते, निकलेगी निकल गई। बीस्ट है भाई, अरे ट्रैफिक भी बहुत है भाई, बीस तो बीस है लेकिन बीस के सामने ट्रैफिक भी बहुत है। इसकी सर्विस वीडियो के बाद में ये बस राइड ही राइड की वीडियो करेंगे अपन, चल रहा है प्लान, अब वो पता नहीं कब तक एग्जीक्यूट हो, क्योंकि प्लान तो बहुत बनते हैं
बट पूरे बहुत मुश्किल से होते हैं। ये जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। चलो अभी तो फिलहाल खाली है, गपागप निकलते हैं फटाफट। क्या मज़ा आता मालूम, जब अपन ऐसा राइड की तरफ निकलते तो। चलो खाली है, नहीं तो मैं हमेशा ये ब्रिज पे लाइन से पीछे से आता हूँ, चिपक चिपक के पूरा रास्ते में। ओ नाम लिया और ये हाजिर ट्रैफिक। अरे यार हाँ, बम्बल है तू, डम्बल उठा के बम्बल भी बनाए। थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आ गया उसके सर्विस का, और थोड़ा सामान लेके आना है तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। अपने को उलांजी का केस लेके आना है, उसका भी वीडियो बनाना है। बहुत काम बाकी है, राइड पे भी जाने के प्लान्स है। अभी देखते हैं कब तक सब एग्जीक्यूट होता है। जिन में यहाँ तक आ गया था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो में, मजाक मस्ती मस्ती में खाली भगाते भगाते। और अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाऊँ, हफ्ते में एक बनाता था तो अब सोच रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि एक वीडियो से ना ही रीच बढ़ रही है ना ही मेरी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। मतलब इम्प्रूव तो है इम्प्रूवमेंट, लेकिन मैंने 5 महीने में 20 वीडियो बनाए, इसका क्या मतलब होता है 5 महीने में 20 वीडियो। कम से कम हफ्ते में 3 वीडियो तो डालना चाहिए मेरे को। तो अब कोशिश तो यही रहेगी हफ्ते में 3 वीडियो डालने की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू तो कर दिया है, शुरू तो मैंने ईद वाले दिन ही कर दिया था, बस वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेक लिया था, तो स्टार्ट करने में पता नहीं क्यों हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन इसके सिवा जाना कहाँ, क्योंकि बाइक सपना पहला प्यार है और राइड अपनी मंजिल है, तो करना पड़ रहा है। मजबूरी नहीं है, खुशी मिलती है इसको करने से। हर हफ्ते कुछ नया टॉपिक, और अब टॉपिक्स बढ़ाने तो शुरू कर दिया है। सोच रहा हूँ एक सोलो राइड भी कर दूँ। मेरा सोचना ये है कि जब तक गर्मियाँ हैं, मतलब समर सीज़न है, तब तक पूरा जितना मैं जा सकता हूँ, जितना बीचेस पे जा सकता हूँ जाऊँ, और उसके बाद जैसे ही बरसात चालू होगी, मतलब मानसून का सीज़न चालू हो जाएगा मुंबई में, तो तब मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ों पे जाया जाए, जैसे लोनावाला, महाबलेश्वर, ऐसा हिल स्टेशन पे बरसात के टाइम पे। वैसे जाना तो गर्मी में चाहिए, बट वो ग्रीनरी जो हो जाती है ना उधर बरसात के टाइम पे, एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं पहाड़, फॉगी हो जाता है एरिया पूरा, बस वो चीज़ दिखाने में जो मज़ा आता ना, मतलब देखने में भी मज़ा आता है और इंजॉयमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं दोनों बार गया हूँ, तो दोनों बार मैं दिसंबर और नवंबर के टाइम पे ही गया हूँ। जो अपना दोस्त है सत्या रैपर, उसकी दीदी की शादी थी मुलुंड में, जहाँ अभी अपन जा रहे हैं। पहले वो मुलुंड में रहता था, तो उसकी दीदी की शादी थी मुलुंड में, वहाँ पे तो हम लोग गए थे, मैं मेरे दोस्त लोग सब, मतलब हम लोग का पूरा फ्रेंड सर्कल गया था। वहाँ से हम लोग ने डिसाइड कर दिया था कि हम लोग जाएंगे लोनावाला घूमने रात में, तो मैं गया था मेरी एक्सेस से, जब एक्सेस नई नई आई थी, तो उसको किधर लेके नहीं गया था। मैंने सोचा चलो निकले तो निकल ही जाते, फिर मुलुंड तलक आए। बात ये हुई थी कि टहलते टहलते जाएंगे, मतलब टहलने जाते, खाना खा लिए थे, तो सोचे चलो थोड़ा घूम के टहल के आते आगे तले। वो टहलना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, सीधा हम लोग 100 किलोमीटर निकल गए थे आगे, सिर्फ टहलना बोल के। चलो फिर अब थोड़ा खींचा जाए इसको। ओ ये एनी डे रेडी है भागने के लिए। अभी इसका सर्विस का टाइम हो गया है, बट फिर भी आप देख रहे हैं हायर आरपीएम में इसको टच करना बहुत मुश्किल है।
चलो सिग्नल खुल चुका है अपना, अब फ्लाईओवर पकड़ना है यहाँ से। थोड़ा टाइम आगे रुकने के बाद मैं ऑन करूँगा, क्या बोलते हैं, गूगल मैप्स। चलो टॉप एंड पकड़ते हैं अभी। आती ले ये गाड़ी, अगर मैंने गियर शिफ्टिंग बराबर करी होती तो मैं इसको 140 टच कर दिया रहता, 132-133 टच किया हूँ। हाँ हाथ दिखा रहे भाई बस में से, इसी सर्विस करके इसको भगाएंगे अपन, एक टाइम चेक करेंगे। पीछे गाना बज रहा है MC Stan का, भाई वो बंदा लेजेंड है, मतलब लेजेंड तो सब, लेजिट तो सब है बट वो लेजेंड है क्योंकि उसके वर्डिंग्स भाई जो हिट करते हैं ना, ब्रो की से जोक भाई, क्या रैप बनाया उसने, उखाड़ दिया अच्छे अच्छे की, मतलब क्या वाइब है वो गाने की। बस मैं आगे ना चले जाऊं इस बात का डर है। एक बार साइड में रुक के देख लेना चाहिए अपने को कि क्या मैटर है, कितना दूर है अपन। लगता है मैंने फिर से एक गलत रास्ता पकड़ लिया शायद। मेरे हिसाब से ये नहीं है। तो बराबर था मैं उधर से मुझे लेफ्ट ही लेना था, लेफ्ट लेके सीधा आया हूँ मैं, और एक अभी सिग्नल से राइट लिया हूँ अंदर, और अभी आगे चल के लेफ्ट है। तो चलो बस पहुँच ही गए समझिए अपन, स्ट्रेट जाके लेफ्ट मारना है वो उसके अंदर, उधर आ गया ना राजा इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, इन होना यहाँ से। चलो बाय, वो रहा सामने बाइकर किंग। तो पहुंच गए अपन इधर अपने लोकेशन पे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. अपन आ चुके हैं अभी अपने बाइकर्स किंग में, तो आपको दिखाता हूँ इधर गाड़ी ही गाड़ी है इधर सिर्फ, और सब हैवी हैवी गाड़ी है, रेडएक्स, टेनआर, हायाबुसा, हार्ली डेविडसन, बेनेली, कावासाकी 1000, स्ट्रीट ट्रिपल, फिर 390, बेनेली, बहुत सारी गाड़ी है, दिखाता हूँ आपको एक एक करके। आप देखो लास्ट में ये पूरा बुलेट का सेक्शन है अपना, इधर पूरा बुलेट है, हिमालयन है, एक्सपल्स भी है, एक क्लासिक्स है, उसके बाद ड्यूक है, हस्क्वर्ना है, दो दो विटपिलियन दोनों भी, 650 है, उसके बाद 390 भी है, डोमिनार 650, स्क्रैम्बलर
दो दो, और रेड और येलो दोनों। ये कौन सी है भाई, ये कौन सी गाड़ी है? GPS। ये भी ना तक है G310R जावा। RC है पीछे, दो तीन बहुत स्टॉक है इधर तो। RR310 सबसे घातक है। चलो नहीं, इधर का काम तो हो गया, एक हफ्ता और जाएगा। निकलता हूँ मैं भी यहाँ से, इधर का एड्रेस मिल जाएगा आपको, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, गाड़ियाँ क्या क्या है वो सब डाल दूँगा। तो चलो अब चलते हैं घर। चलो निकल गए अपन अपने बाइकर किंग से। तो बात तो हो गई मेरी कि अपना काम कब होगा, तो अब चलते हैं। अब बहुत जल्दी आपको इसकी सर्विसिंग की वीडियो मिलेंगी, सब इसको सर्विस कराएंगे और देखेंगे अब आगे किधर जाना है। लेडीज़ अच्छा है, आप चला रहे दीदी गाड़ी, आप चला रहे गाड़ी? बहुत टाइम हो गया आपको चला के, 3 साल आप ही चलाते क्या इतने में खाली लेडीज? यहाँ पे मतलब देखा तो है मैंने लेडीज लोग को, लेकिन यहाँ मुंबई में तो ये बात आम है। वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी बात है, वो काम कर रहे हैं, खुद काम करने का खुद अच्छा लगा उनसे बात करके। उस दिन मैंने गाड़ी लेके गया यहाँ पे से, भाई साहब ये पूरी लाइन ट्रैफिक जैम थी। ये पीछे का लास्ट का ये लाइन है ना जिसके ऊपर गटर है, ये गटर वाली लाइन से मैं चढ़ा के लेके गया हूँ गाड़ी। इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, बट चला अच्छा है आज मैं जल्दी निकल गया, ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम ख़त्म। अब राइट मारो साइन जाने के लिए, फटाफट सीधा घर पे। वहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक भी दिखाई मैंने, बट स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता था, कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शंस होते। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगा इधर तो ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों, सब राउंड भी मारेंगे स्पोर्ट्स बाइक पे। किशन भाई का नंबर भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी स्पोर्ट्स बाइक से लेके 200cc से लेके 1000cc स्पोर्ट्स बाइक तलक, सुपर स्पोर्ट्स बाइक तलक का कुछ भी इंक्वायरी हो, लेना हो, मैं किशन भाई का नंबर डाल दूँगा, बस परेशान नहीं करना उनको। तो बस यही था आज का एक्साइटिंग व्लॉग आफ्टर 1.5 मंथ। तो बस इसी नोट पे क्लोज करते हैं आज का व्लॉग, तो मिलते हैं आगे आपको किसी अच्छे एनर्जेटिक व्लॉग के साथ। जब तक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुसाफिर के लिए दुआ कीजिए।